नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेल डिजाइन किचन, वेल डिजाइन वार्डरोब, वेल ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब, दे आर वेरी पॉपुलर दीज डेज। लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट दे आर एग्जैक्टली फॉर स्टाइल एंड फॉर एस्थेटिक कोशों, बट दैट्स नॉट ऑल्सो ट्रू। अ गुड वेल डिजाइंड वार्डरोब कैन ऐड लॉट ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लुक्स, बट एट द सेम टाइम अ वेल डिजाइंड किचन एंड वार्डरोब कैन सेव लॉट ऑफ मनी एज वेल। Because whenever we plan something, it saves a lot of time that you can utilize someplace else. Also, there are a lot of options available. They'll help you to understand where things are lying. For example, if you have clothes in your wardrobe, you not only save time, but also you know what are the things lying in your wardrobe. So you do not add on a lot of shopping or unnecessary shopping. It saves a lot of time. But you need to have a planner in place, otherwise your wardrobe will never be organized, or your kitchen also will not be organized. So we suggest you buy it from the trusted store. We have a designer with us, Mr. Prerit Khandelwa. He is an architect and interior designer. We have done multiple videos with him. Today he's going to explain every single detail. Let's begin with Prerit. Hello. Welcome back to Claptrap. Yeah, after a very long time. You have multiple angles to your personality. People know you, all Claptrap family members, they know you as an interior designer, architect, furniture manufacturer. And now people have seen you. We gave multiple projects. One-stop solution. As to everything. One-stop man. Cool. क्विक वीडियो करेंगे और दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली ऑन अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। आज हम हैं आपके फैक्ट्री में, यहाँ पे हम क्या क्या बनाते हैं? सो यहाँ पे जो हम बनाते हैं वो हम लोग वार्डरोब्स, किचन्स, टीवी यूनिट, अच्छा ये सारी चीज़ें यहीं पर बनती हैं। जो भी मॉड्यूलर से रिलेटेड काम, हाँ मॉड्यूलर, जितना भी मॉड्यूलर होता है वो सारा बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम प्रोसेस से समझेंगे आपसे कि किसी भी वार्डरोब या किसी भी मॉड्यूलर प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, आपकी टीम का काम कहाँ से, कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टार्ट होता है? सो बेसिक ये होता है कि पहले हमारे पास कॉल्स आती हैं रिगार्डिंग द वार्डरोब रिक्वायरमेंट्स, देन उसके बाद हम लोग उन्हें गाइड करते हैं। वी सेंड अ गाय जो मेजरमेंट लेता है, उसके बिहाफ पे हम लोग ड्राॅइंग्स बना के वन ऑन वन क्लाइंट से डिस्कस करके उसे फ्रीज करके उसके बाद उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। नाउ द मेजर पार्ट इज़ अ प्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पे हम लोग कैसे उसको बनाते हैं, क्या मटेरियल हम लगाते हैं, क्या क्वालिटीज़ हम यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको पूरा इंस्टॉलेशन करते हैं अपनी फैक्ट्री में, चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको साइट पे भेजते हैं, फिर इंस्टॉलेशन कराते हैं, सो दैट किसी को भी किसी कंसर्न्स में प्रॉब्लम्स ना आए। ऑलराइट, डन। ये हम प्रोसेस समझेंगे। ये बहुत आई थिंक ये बहुत पर्सनलाइज मैटर है, ये बहुत पर्सनलाइज टॉपिक है। हर स्पेस की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, कोई exactly. भी वार्डरोब आइडेंटिकल नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, ये आपके स्पेस से, आपके लाइफस्टाइल से, आपकी नेसेसिटी, आपकी यूजेज के ऊपर डिपेंड करेगा बिल्कुल. और कितना स्पेस अवेलेबल है उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। मटेरियल की भी, अब क्योंकि हम बात करेंगे पूरे प्रोसेस में, मटेरियल के भी बहुत वेरिएशन है मार्केट exactly. में, राइट right? हमारे पास भी अलग अलग मार्केट में वेरिएशन है, तो वो आप हमें स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि कैसे क्या करेंगे। ठीक है, ओके। सो अगर हम बात करें कि कैसे एक प्रोसेस को स्टार्ट करा जाता है, तो अगर आप ये देखेंगे, दीज आर क्लाइंट, हिज आर क्लाइंट राजवालिया, अच्छा तो इनका पश्चिम विहार में बन रहा है जी। तो इनकी पहले जैसे हम लोगों ने ड्राइंग बनाई, तो ये ड्राइंग का अप्रूवल हमने उनसे करवाया सारी डिटेल्स पे कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सो इसके बाद जब ये ड्राइंग अप्रूव्ड हो जाती है, ये फाइल रेडी हो जाती है हमारी प्रोडक्शन की, देन उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। नाउ द बेसिक जो स्टार्ट होता है वो हमारा, वो एक मटेरियल को प्रिक्योर करने से स्टार्ट होता है। सो मटेरियल प्रिक्योर हमारा इतना एक्यूरेट रहता है कि कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं बेस्ट से बेस्ट यूज़ करते हैं। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि वी गिव गारंटी एंड वारंटी फॉर एवरीथिंग। Okay. तो अगर हम बेसिक बात करें, दिस इज़ आर मटेरियल, लाइक जितना भी सारा मटेरियल है हमारा, कि क्या क्या हमारे यहाँ आता है, लाइक दिस इज़ अ कैलिब्रेटेड प्लाई, अच्छा ये कैलिब्रेटेड हम लोग यूज़ करते हैं दिस थिंग जी। ठीक है, देन वी हैव द HDHMR फॉर द शटर्स एंड द किचन्स, जो कि सारा ब्रांडेड है, एक्शन टेसर ब्रांड का ही हम लोग यूज़ करते हैं। ऑलराइट, ये हमारा कर्कस बनने में काम आता है ना? ये हमारा शटर्स एंड किचन के कार केसेस ओनली, ठीक है। एंड जो प्लाइज होती है ये वार्डरोब के कार केसेस बनते हैं। ऑलराइट, डन। ठीक है, देन उसके बाद ये कुछ और मटेरियल है हमारा, ऑल द प्लाइज आर देयर, अच्छा ठीक है। Afterwards, once we source this ply and we check our quality, then we put this in our factory. Factory में रखने के बाद, उसके बाद इसका basic जो process होता है वो start होता है आपका
पेस्टिंग से। अच्छा हाँ जी, लैमिनेट का कोल्ड प्रेस लैमिनेट या लैमिनेट से होता है, जो कि हमारे पास प्रॉपर मशीन्स हैं, जो कि कोल्ड प्रेस है वो प्रेसिंग होती है एंड वी यूज ओनली फेविकॉल, फेविकॉल एसएच कंपनी, फेविकॉल को ही यूज करते हैं हम लोग। एसएच एक ग्रेड होता है विच इज द मोस्ट पावरफुल एडहेसिव इन द फेविकॉल, मतलब फेविकॉल कंपनी का ही एक ग्रेड आता है। अच्छा, तो एसएच मरीन वी यूज। हम एज अ एक छोटा सा, आई विल टेक यू बैक टू माय चाइल्डहुड डेज। आई रिमेंबर व्हेन माय पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल अ कारपेंटर, ही यूज्ड टू कम टू आवर प्लेस, ही यूज्ड टू गिव अस अ लिस्ट, और उसके बाद में हम मटेरियल लाके उनको देते थे हमारे पेरेंट्स, और वो घर पे ही वेनियर्स तो अभी आ गए हैं, तब तो लैमिनेट्स होते थे। अब लैमिनेट्स चल रहे हैं क्या, वेनियर्स चल रहे हैं? दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, दोनों। अंदर की तरफ आप लैमिनेट्स लेते हैं? हाँ जी, एंड फ्रंट शटर्स आर द मल्टीपल ऑप्शंस वी हैव, द लैमिनेट्स, वेनियर्स, देन वी हैव द पीयू फिनिश, मिरर फिनिश, ग्लास प्रोफाइल शटर, दोज आर द options available on a front shutter, but internal सारा laminates ही अंदर laminates laminates ही। अगर आप external के आपने बहुत सारे options जिसमें fluted, tinted, colors, हाँ, सब exactly, वो बहुत सारे options हैं। exactly. फिर light options हैं, फिर accessories हैं, blocks के अलग अलग designs हैं। exactly. तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो cold press अब होने लगा है, और हम पहले देखा करते थे जब कारपेंटर ना एक लैमिनेट लगाता था, से लगाता था और उसके बाद दो तीन बोर्ड्स या दस बोर्ड्स उसको प्रेशर करके, हाँ, उसके बाद उन्हें छोड़ के दो दिन बाद निकालते थे। राइट, तो उसमें क्या होता है, ड्रॉबैक होता था? ड्रॉबैक ये होता है कि एक तो उन्हें प्रॉपर प्रेशर नहीं मिलता, प्रॉपर प्रेशर नहीं मिलेगा तो कहीं जगह लैमिनेट्स जो होती हैं वो फूल जाती हैं, बबल्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली, तो लेकिन कोल्ड प्रेस से क्या होता है, एक तो इट्स गिव्स यू द यू नो 80 टन का वेट एक बोर्ड पे लगता है और वो प्रेस होता है, तो वो इतना स्ट्रांगली प्रेस होता है कि कभी उसमें बबल्स आ ही नहीं सकते। ऑलराइट, तो ये वो मशीन है जो दिखा रही है, ये वो मशीन है। कितना, 80 टन्स ऑफ वेट। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स उसके बाद क्या होता है, देन जब वो आपका लैमिनेट प्रेस हो जाता है, ये हमारे लैमिनेट्स के सारे चॉइसेस, ये वी हैव लाइक रैक अकॉर्डिंग टू लैमिनेट्स, कि ये जैसे ग्रीन लैम के लैमिनेट्स है, वी हैव लाइक हम लोग अपने प्रोसेस को ईज करने के लिए, कि टाइम वेस्ट ना हो, हम लोग उसे पहले ही ग्रेड्स बना के रखते हैं, ग्रेड्स भी एंड बाइफरकेट करके रखते हैं, लाइक ग्लॉस अलग है, मैट अलग है। अच्छा, हाँ, ब्रांड अलग है, ग्रीन लाइम अलग रखेंगे, मरीनो अलग नहीं, सो दैट कोई भी स्टाफ हमारा काम करे, इनफैक्ट हम भी अगर देखें तो इट्स वेरी इजी टू मैच द थिंग्स एंड वी डोंट वेस्ट आवर टाइम ऑन दिस। इसके बारे में लैमिनेट की जो क्वालिटी आप यूज कर रहे हैं और HDMR बोर्ड्स की जो आपने बात की, अगर हम ग्रेड्स की बात करें तो ABCD अगर हम ग्रेड्स कहें तो ये आप इनको किस ग्रेड में मानते हैं? द रीजन बिहाइंड दिस, ग्रीन लैम इज अ इंटरनेशनल ब्रांड नाउ, सो उनका कोई भी चीज होता है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरिया एंड यू नो एंटी वायरसेस, दे आर यूजिंग अ बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द मेजर कंसर्न क्या होता है, एक लैमिनेट में ना यूरिया लगता है, केमिकल। अच्छा, यूरिया यूज होता है, जो लोकल लैमिनेट्स होते हैं उनमें यूरियाज बहुत ज्यादा यूज होता है, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, आपके हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, तो दीज आर द थिंग्स विच अफेक्ट्स अ लॉट। लोकल लैमिनेट्स में एक और प्रॉब्लम हम बहुत देखा करते थे और अब भी देखते हैं, जो नॉन ब्रांडेड होते हैं उनमें क्रैक्स बहुत ऑब्वियस होते हैं, क्रैक्स भी होते हैं, फिर स्क्रैचेस के भी बहुत चांसेस होते हैं। दैट इज व्हाई वी यूज लैमिनेट एंड वी आर द बेस्ट इन। ओके, सो सेकंड स्टेप ये होता है कि जब हमारा, हमारे पास जो बोर्ड्स हैं, हमारे जो जिसे हमारा कारकस बनेगा वो हमारे कोल्ड प्रेस कर लिया जाता है। राइट, एग्जैक्टली। चलिए, देन उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये बोर्ड्स ये बनने, ये रेडी है, अभी लग गया इसके ऊपर, ये दीस आर ऑल प्रेस, ये ऑल आर प्रेस बोर्ड्स वी हैव। अच्छा, एंड ये क्या लगा है, ये व्हाइट हाई ग्लॉस लैमिनेट। ओके, या सो अब अगर आप देखेंगे ये HDHMR में है, इट्स अ ग्रीन बोर्ड, तो अगर आपको दिख रहा होगा ये HDHMR पे व्हाइट हाई ग्लॉस बोर्ड पेस्ट हुआ हुआ है जी, जो तो ये सारा मशीन से हुआ है। हाँ, देन उसके बाद आपका ये अलग अलग की, इट्स अ 12 mm HDHMR, देन 16 mm HDHMR, देन यू हैव द प्लाई, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद क्या होता है, इस प्रोसेस के बाद जो होता है वो आपकी कटिंग्स होती हैं। अच्छा, नाउ ये पैनल्स और मशीन्स हैं, इनमें कटिंग हम करते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है, जब कट कर देते हैं, कटिंग करने के बाद व्हाट वी डू इज अकॉर्डिंग टू द साइज वो हम काटते हैं। ये पूरे वार्डरोब मैन्युफैक्चरिंग और कारपेंटरी बिजनेस में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एंड इग्नोर्ड पार्ट है, जिसको एज बेंडिंग बोलते हैं। एग्जैक्टली, टेक्निकली तो पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, एवरीबॉडी इज सेइंग एज बेंडिंग, बट नोबडी हैज एक्सप्लेन्ड इट, सो काइंडली एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज एज बेंडिंग? सो एज बेंडिंग क्या होता है, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। अर्लियर क्या होता था, जब कोई भी वार्डरोब घर पे बनाता था तो जो एजेस होते थे उस पर या तो मोल्डिंग लगाते थे या पेंट करते थे। अच्छा, जैसे हम एक एग्जांपल लेके देख लें। हाँ, जैसे ये अगर आप देखेंगे
ठीक है। अच्छा। ये जो एजेस होते हैं, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली जो वार्डरोब्स बनी है उसमें भी हम दिखा देंगे। इस एजेस पे अर्लियर क्या होता था, पहले पेंट करते थे या मोल्डिंग लगाते थे, राइट, एक टेप जैसा आता था, टेप जैसा आता था, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। आई हैव एक्सपीरियंस दैट, मैं हम लोग भी सफर कर चुके हैं उसको लेके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऑलराइट, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है एज में? अब इसका ऑप्शन ये है कि अब पीवीसी की एज बेंडिंग टेप आती है, ये हम लगाते हैं, लेकिन इसका भी एक कंसर्न होता है कि कई लोकल कारपेंटर्स क्या करते हैं, वो हाथ से लगाते हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते। द रीज़न बिहाइंड दिस कि क्या होता है, जो ये जॉइंट्स होते हैं, जब आप मशीन से ये टेप लगाते हैं तो आप देखेंगे जो ये जॉइंट्स होते हैं ये सारे यूनिफॉर्म आते हैं, ठीक है, थ्रू एंड थ्रू आता है। तो जब ये जॉइंट्स हम लगाते हैं और ये मशीन से लगता है तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि टर्माइट को स्पेस ही नहीं मिलती एंटर करने के लिए। अच्छा, हाँ जी, विच इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द वार्डरोब एंड द किचन्स। जो कहते हैं ना टर्माइट आ जाता है, वो एजिस से ही टर्माइट आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितनी भी फिनिशिंग होती है, क्योंकि ये ऑल फोर साइडेड एज बेंड हो गया, तो जो इसकी फिनिशिंग है वो और ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा एस्थेटिकली ब्यूटिफाई हो जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और वजह भी एज बेंडिंग इम्पोर्टेंट है कि आप जितने वार्डरोब्स, जितने बेड्स एंड सोफाज यूज होते हैं, हाँ, उतनी ही फ्रीक्वेंसी में डेली बेसिस पे वार्डरोब यूज होते हैं। बिल्कुल। अगर आपके एजेस प्रॉपरली अगर फिनिश नहीं है उनमें, तो वो खुल जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो अक्सर निकल ही जाती है। हाँ, बिल्कुल। और लगने के बाद नाउ दीज पीसेज आर रेडी फॉर द मैजिक। ऑलराइट, लाइक इंस्टॉलेशन के लिए बॉक्सेस डोंट हैपन नाउ। एग्जैक्टली, कि आपकी वार्डरोब अब हमारे पास रेडी हो चुकी है कट के, ठीक है, अब हम उसको ब्लॉक बाय ब्लॉक जोड़ते हैं जी, टू मेक योर यू नो कंप्लीट सेट थिंग्स एग्जैक्टली अकॉर्डिंगली। और ये वो पूरा स्पेसिफिकेशन जो आपके फाइल में आपने दिखाया था, वो फॉलो करेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा भी अकॉर्डिंग टू द फाइल हाउ वी मेड द वार्डरोब। ठीक है, आइए। तो अगर हम देखेंगे इस पूरे पार्ट को, ये इंस्टॉलेशन हो रही है। तो हाउ द इंस्टॉलेशन वर्क्स इज कि जैसे आप देखेंगे कि अब हमने ये अलग अलग साइड्स को जोड़ के एक पूरी वार्डरोब बना दी। पूरे प्रोसेस होता जा रहा है कंप्लीट। एग्जैक्टली, एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें क्या है, शेल्फिंग सिस्टम है, तो सारी शेल्फ पिंस लग रही हैं अकॉर्डिंगली, एंड उसके बाद ये सारी जो वार्डरोब जब ओके हो जाती है, शटर बन जाते हैं, उसके बाद उसको नीट एंड क्लीन करके प्रॉपर पैकेजिंग करी जाती है। सो अब जब आपके बोर्ड्स कट गए, देन उसके बाद टेप्स लग गई, एंड नाउ योर मटेरियल इज़ रेडी फॉर द इंस्टॉलेशन। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग पहले अपने यहाँ पे ही इंस्टॉलेशन करके उसको चेक करते हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस, वी डोंट वॉन्ट कि क्लाइंट के यहाँ जब हम जाए तो देयर शुड बी अ इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन या कोई इश्यूज आए, तो इसलिए हम लोग पहले यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो अगर जैसे आप ये वार्डरोब देखेंगे, ये विद लॉक्ड है एंड ये इंस्टॉल हो चुकी है पूरी। वी हैव ऑल द हैंगिंग रॉड्स, वी हैव इंस्टॉल्ड ऑल द ड्रॉर्स विद द क्वाड्रो चैनल्स, वी हैव इंस्टॉल्ड द लॉक इवन हेयर ओनली। ओके, तो वो बस साइट पे जाएंगे एंड उसको बॉक्सेस को डालेंगे, एंड जस्ट लाइक यू नो व्हेन यू यूज्ड टू प्ले द लेगो, लेगो ब्लॉक्स प्ले करते थे, वैसे ही एक कनेक्ट होते चले जाएंगे एंड वी हैंड ओवर टू यू। ओके, दिस वन इज अ वार्डरोब जो हम अभी क्लाइंट को दिखा रहे हैं। ये पूरी वार्डरोब है जो हमने अभी हमने फाइल देखी है, उनकी है। अच्छा, दीज आर द हिंजेस, यूजुअली हैफले हिंजेस हम लोग यूज करते हैं, तो ये 165 डिग्री हिंजेस बट वी यूज, तो ये वो सारा जो है शटर्स में यूज होता है, तो ये हमने पैक कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि जब ये आपका वेरीफाइड हो जाता है, आर टीम टोल्ड कि सर दिस इज ओके, नाउ यू कैन शिफ्ट, तो हम लोग क्रॉस चेक करते हैं ईच एंड एवरी डायमेंशंस, ईच एंड एवरी फिटिंग्स, उसको पैक करते हैं कॉरोगेटेड बॉक्स में, एंड उसके बाद उसको शिफ्ट कर देते हैं आपके घर पे। ऑलराइट, ठीक है, चलिए, ठीक है। दो तीन चीज़ें और भी हैं हार्डवेयर को लेके, इतनी सारी वैरायटी है हार्डवेयर की, आज इंडिया में ढेर सारी कंपनीज हैं। बिल्कुल, देर आर मल्टीपल कंपनीज और सबके अलग अलग स्पेसिफिकेशन हैं, सबके अलग है। बिल्कुल, जैसे आपने लेमिनेट्स में बोला कि आप ए से लेके डी ग्रेड में अगर आप देखें तो ए ग्रेड यूज करेंगे। एग्जैक्टली, इसी तरह से हार्डवेयर में आप कौन से? एग्जैक्टली, वी ओनली यूज हैफे, हैफले, वी ब्लम, वी यूज हैटेक, वी यूज पैंस एंड पैकर्स। ऑलराइट, ये फाइव हार्डवेयर कंपनी है, एप्को वी यूज, सो ऑल दीज हार्डवेयर आर द टॉप नॉच वी हैव। ऑलराइट, ग्रास वी यूज, सो वी डू एवरी लाइक बेस्ट से बेस्ट, जस्ट बिकॉज इनकी आफ्टर सेल सर्विस एंड गारंटी वारंटीज आर टू गुड। ऑलराइट, ठीक है, सो दीज आर द वार्डरोब्स। लाइकवाइज स्टडी यूनिट्स के अंदर बुक शेल्फ अगर आपको बनानी है, कुछ लाइक अगर आप देखेंगे यूनिट है, तो ये एक किड्स रूम की वार्डरोब है। अच्छा, तो इसमें आपके PU के शटर्स आएंगे, देन वी हैव द ओपन बॉक्स, देन वी हैव द ओपन बॉक्स विद द लाइटिंग सिस्टम। ऑलराइट, क्योंकि ये दिस इज
वेरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टॉपिक है ये. Exactly. तो किड्स की जरूरत ऐसी होती है तो शायद हम नहीं. या जस्ट टू पुट द टॉयज एंड एवरीथिंग दैट इज व्हाई द डेप्थ इज लेस देन द एक्चुअल वार्डरोब्स. नाउ दिस वन मोर ऑन द लेफ्ट राइट. सो अगर हम इसको देखेंगे ये किचन है. अच्छा. सेम वाइस वर्सा किचन की इंस्टॉलेशन ही ऐसे होती है. अभी किचन पूरी इंस्टॉल करके हम लोग इसकी फिटिंग्स चलाते हैं. फिटिंग्स चलाने के बाद उसको चेक करते हैं कि क्या वो ओके है एज पर एज आर स्टैंडर्ड्स, ओके एज पर एज ड्राइंग. फिर उसके बाद उसको अनपैक करके पैक कर देते हैं एंड आपको डिलीवर कर देते हैं. ओके. दिस इज द कार्कस पार्ट. बेसिकली अगर देखें प्राइमरी दो पार्ट होते हैं. Exactly. एक जो है पूरा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जिसको आप टेक्निकल टर्म में कार्कस बोलते हैं. दूसरा पार्ट होता है जो ऊपर से एक्सटर्नल पार्ट होते हैं. Exactly. इनमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? ओके. सो अगर हम शटर्स की बात करें, द लैमिनेटेड वन यू हैव सीन आर अर्लियर वीडियोस, उसमें हम लोगों ने सारी चीजें दिखा रखी है. बट नाउ वी आर कमिंग टू द न्यू शटर्स ऑप्शंस. अच्छा. वी आर ब्रिंगिंग 25 शटर्स ऑप्शंस फॉर द वार्डरोब्स एंड किचन. 25 ऑप्शंस विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर. ओके. विद इन लाइक स्पैन ऑफ 2 months द सैंपल्स आर गोइंग टू बी रेडी सून. उनमें क्या क्या होगा? बहुत सारे हैं. वी हैव द नाउ द लाइक वी हैव द प्रीमियम शटर्स, वी हैव द बेसिक शटर्स, वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमियम एंड द बेसिक एज वेल. वी हैव द पॉलिएस्टर, वी हैव द वीनियर, नाउ वी आर हैविंग अ फ्लूटेड, वी हैव अ गोल्ड शटर्स. लॉट ऑफ वैरायटीज. जो कॉलोनियल क्लासिक जो पैटर्न के हैं, ब्रिटिश क्लासिक में लोग तो ओरिजिनल वुड भी यूज किया करते. Exactly. वो तो भी वो सब आ रहे हैं हमारे पास ओरिजिनल वुड. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे, ये एक शटर है फॉर दीज वार्डरोब्स ओनली. ये प्यू मैट फिनिश है व्हाइट कलर में अगर आप देखेंगे, विच इज वेरी वेरी प्रीमियम. लाइक स्टोन. या पूरा स्टोन जैसा फील है इसका. एंड इसमें आप देखेंगे तो बॉर्डर बना रखा है, विच गिव्स यू द फील ऑफ द क्लासिक शटर्स. पैरेलली अगर आप ये वाला शटर देखेंगे तो इसके अंदर वी हैव द शटर विद द फ्लूटेड डाउन. ओके. या सो एक ये पैटर्न है डिजाइन का. ठीक है. देन ये देखेंगे तो दिस इज अ प्लेन शटर वी हैव. ऑलराइट. शटर फॉर लॉट ऑफ पीपल मे बी अ न्यू टर्म. शटर इन हिंदी वी कॉल इट एज पल्ला और द फ्रंट डोर. एग्जैक्टली. ओके. And a lot of options are available. Yeah, lot of we options don't have glass available. Right now. Exactly. Now after that, मैं आपको एक wardrobe दिखाने जा रहा हूँ where we have done the complete installation of the accessories, lighting and everything. All right. So once you see that, then it will give the more clarity to the clients and the customers to understand कि एक wardrobe कैसे बनाई जाती है. Preparedly fresh from the oven. Okay. Yeah. All right. Done. So हम लोग glass shutters में एक छोटा सा मेरा सवाल है. There are a lot of glass colors are available these days. You have got gold, rose gold, fluted, plain, tinted, blue, colored. There are various options available. What is the deciding factor? Who decides the color of so glass? So it totally depends upon the designer. Okay. First of all, and the theme of the bedroom. Okay. कि क्या उसकी requirement है. जी. Accordingly we design and we suggest कि which shutter will be the best along with the glass. All right. चलिए. Yeah. We'll check out now. It's coming almost to an end, right? Yeah. Okay. All right. So your cake is ready. So, like lastly, I said ki fresh from the oven. Oven, right. Yeah. Okay. So, agar hum dekhenge, only the seasonings are left in this wardrobe. So, agar aap dekhenge, puri wardrobe ko. So, it's a kind of a display wardrobe we have made. So, again, these are the shutters. Glass need to be installed accordingly. Okay. Now the basic wardrobe, how the wardrobes meant to be, क्या क्या fittings उसमें लगती है, ये उसके बारे में सारी details है. So अगर आप देखेंगे these are the glass profile shutters we have made. इसमें अभी glass आना है आपका. Right. What is the color of the glass you have chosen? Black tinted we have chosen. Black tinted. क्योंकि internal जितना भी laminate है सारा wooden beech finish में है. We called as a white beech finish. Right. Which looks very very premium. Exactly. And it's a little more towards the premium and costly. Right. Very true. Exactly. Yeah. Apart from that. And what are the accessories? Yeah. So now we are coming to the accessories. First of all, the major accessories we have is the profiles with the sensors. Okay. So when you open the wardrobes, the lights opens automatically. They get turned on. Exactly. Okay. So this is the one fitting we have for the hangers. It's kind of a sari hanger or a like pullout. We call it a hanger pullout. All right. But isn't it too heighted? How to bring it down? We can. It's just a just for the demo. Demo exactly. Okay. कि क्या-क्या fitting आती हैं. And अगर आप देखेंगे ergonomically ये height इतनी accurate है कि आप easily इसको pull out कर सकते हैं. Okay, done. Yeah. Apart from that, the second thing we have the tie pull out.
For men's wardrobe. For men's wardrobe. Then we have the belt pull out accordingly. All right. Then we have the trouser pull out. Okay. Then we have the laundry basket. Laundry basket. Exactly. Okay. Afterwards, अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे then we have the hanger pull out. Okay. Right. So all your hangers will come down. Exactly. Okay. And then we have the shoe fitting. What is this for? Shoe rack. Shoe rack. Okay. Yeah. Done. So this is the complete wardrobes we have made. Then इसके बाद जब ये पूरी हो जाती है installation हो जाती है now we check everything then we dismantle. Afterwards, इसको dismantle करने के बाद then we put the proper marking. अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ों पे proper marking हुई हुई है. अच्छा. Yeah. Marking करने के बाद इसकी corrugated packaging होती है same as it is. जैसे आप देखेंगे वो packaging हो रही है proper तरीके से packaging होती है cleaning होती है and pack करने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है आपके हाउस पे. All right. Yeah. And then installation. Yeah. On site. That installation will be done on site. Okay. Done. तो फिर वहाँ पे हमारी टीम जाती है, उसको अनलोड करती है, फिर उसके बाद उसको इंस्टॉलेशन करती है. All right. Yeah. So this is all we have about the wardrobes and kitchen. That how we do those things. There are a lot of designs, lot of things. We have our own display center. Where you can see like more than 4 to 5 kitchens and 4 to 5 options of the wardrobes. And everything is customized, everything is bespoke according to your requirements and your designs. All right. The list of accessories and the facility in the wardrobe and the kitchen is endless. Endless. Okay. Because it's very difficult to sum up everything in one video. Exactly. And especially kitchen. You have got organizers, cutlery, crockery units, we have a lot of videos we have showcased before. Okay. So you can easily find those videos on a Claptrap. All right. And you can easily understand the detailed parts. It's just a basic key. How we take care of the installation, how we take care of your product, how the baby is born and then it's taken to your place. Taken to your place and installed at your place. I mean, it's easy for people to understand or distinguish between the grades, like why there are certain grades that are available, right? And our main reason behind this video is that we want to show you that how fairly we are doing the business, how fairly we are bringing up your requirement at your doorstep. Right. And everything is under our process and under our supervision. Nothing sourced from outside. Very true. There's one thing that makes you different from the others or from the rest is understanding the requirement. See, basically, when you understand the client's requirement, sometimes you will face challenges. You should have an answer to those challenges because face challenges. Yeah, yeah, yeah. Hypothetically, if there's one single wardrobe for men and women, you have to organize differently. If you have to make a walk-in wardrobe, it has to be different. Exactly. Compact space is different. Larger space is different, right? Exactly. So you have to make a permutation and combination, right? Yeah. Okay. Yeah. The truck is ready to move now. Yeah. Now truck is ready to load. Okay. Ready to ship and product जो है आपके घर में कुछ ही दिनों में पहुंचने वाला है. All right. So right from scratch to end, right from the inception to the final delivery, it's a long process. And wardrobes, as they come with large size, also they come with a large confusion. Exactly. But we tried actually helping our viewers so that they can make the wise decision. I mean, it should not go wrong. No. So it's like for every process, we have our team. And everything need to be coordinated and coordination with the coordination. Done. So, वो हम proper तरीके से take care करते हैं. See, as a human, there are few errors we can understand, but we try कि कोई भी चीज problematic ना हो किसी के लिए भी. All right. Yeah. Done. अब of course, this no video is complete without the price part. Exactly. How do we calculate the price part? Okay. So if I talk about the costing, so our basic wardrobe, the basic one starts from 1700 rupees per square feet, the laminated one, and we calculate as a x-axis as a y-axis. Okay. So height we have to consider and wide we have to consider. So it's like 3 feet by 8 feet wardrobe will be the 24 square feet and multiply by 1700 is the cost of the wardrobe. The basic one. The basic wardrobe. And it can go up to? It can go up to 3000 rupees per square feet. That depends upon the material, the material. Shutters, finishes, everything. Vice versa, kitchen ke andar we have to, you know, make the drawings, then only we give you the costing of the kitchens.
Alright. So there's a process involved. Quickly, I'll recall you told me in the last video. So whenever there's a wardrobe requirement or there's a kitchen requirement, we are serving in Pan India. Pan India. And that depends on the kind of volume or budget you have. And there'll be somebody coming to your house. He will take the measurement. He'll come back. Again, you have to discuss the requirement with Prerit. Prerit will understand your requirement. And trust me, that wardrobe will be customized to make your life very comfortable, sorted, right? Exactly. To upgrade your lifestyle, to make them comfortable and to make them least maintenance as well. Right. Yeah, okay. These three aspects. Apart from that, now we are soon going to, you know, show the upcoming biggest project. Right. One of the biggest projects, I can say. Projects. We have featured on a clap. Interior you have done. Interior we have done. Okay. So that will be the New Year gift to everyone. Oh, from lovely. Our side. Thank you very much. Yeah, that would be nice. So there are a lot of things you will be able to learn and able to know. And there are a lot of things we have done. All right. Yeah. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Thanks for making us feel so privileged. Yeah. Thanks a lot. Thank you so much.